हरे कृष्ण। सभी को मैं हरि तोमर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया है, जिसमें कि मथुरा कोर्ट में 28 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे 30 सितंबर के लिए टाल दिया गया। याचिका में जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया है। यह मुकदमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन और 3 अन्य ने दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से लगी हुई बनी है। इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट किया था और शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के एक हिंदू राजा को जमीन के कानूनी अधिकार सौंप दिए थे, जिस पर आज वह मस्जिद खड़ी है। बता दें कि 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया था कि दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण उसी जगह पर होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंध करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन का मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिका निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुसलमान पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वह कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के नाम पर है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे में सेवा संघ द्वारा किया गया यह समझौता गलत है। इससे पहले मथुरा के सिविल जज की अदालत में एक और वाद दाखिल हुआ था, जिसे श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान और ट्रस्ट के बीच समझौतों के आधार पर बंद कर दिया गया। 20 जुलाई 1973 को इसके संबंध में कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। अभी के वाद में अदालत के उस फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि विवादित स्थल को बाल श्री कृष्ण का जन्म स्थान घोषित कर दिया जाए। हालांकि इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की रुकावट है। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी। तो ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से 1968 के इस एक्ट को समाप्त करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। वसीम रिजवी ने उस पत्र में लिखा है कि 1968 के एक्ट को समाप्त कर दिया जाए और पुनः मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जो भी मंदिर नष्ट किए गए हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए। अब इस केस की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। आगे की जो भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। इस विषय पर आपकी कोई भी खबर ना छूटे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की अवश्य दबाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।